बड़े बड़े अफसर भी काली कमाई करने में पीछे नहीं है। जब ईओडब्ल्यू की टीम ने एक बड़े अधिकारी के मकान में छापा मारा तो टीम को करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति मिली, जिसे देखकर सदस्य भी हैरत में पड़ गए। ये मामला एमपी के रीवा जिले से सामने आया है। जानकारी के मुताबिक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वैज्ञानिक सुशील कुमार मिश्रा के घर में अवैध संपत्ति होने की सूचना ईओडब्ल्यू टीम को मिली थी, जिस पर टीम ने देर न करते हुए तड़के सुबह छापामार कार्रवाई की और घर से करोड़ों रुपए की संपत्ति बरामद की है। ये कार्रवाई विभाग के अधिकारी मोहित सक्सेना और प्रवीण चतुर्वेदी के नेतृत्व में हुई, जिसमें 25 सदस्य शामिल थे। हालांकि खबर लेके जाने तक ये कार्रवाई जारी थी। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि टीम को अभी और संपत्ति मिलेगी। बताया गया कि मकान से मिले नोटों को गिनने में ही टीम को काफी समय लगा। ईओडब्ल्यू में शिकायत प्राप्त हुई थी कि सुशील कुमार मिश्रा, जो कि जूनियर साइंटिस्ट हैं सतना में प्रदूषण बोर्ड में, उनके पास में अकूत संपत्ति है और आय से अधिक संपत्ति उन्होंने इकट्ठी की है। इस पर FIR पंजीबद्ध की गई और माननीय न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त करके आज सुबह सर्च की कार्रवाई की गई है। सर्च के दौरान 30 लाख रुपये कैश मिला है, ज्वेलरी 10 लाख से ज़्यादा की है जिसका वैल्यूएशन करवाया जा रहा है। उनके पास ज़मीनों के करीब 15 कागज मिले हैं। उन रजिस्ट्रियों में एक बड़ी रजिस्ट्री जो है वो 7 एकड़ का फार्म हाउस बेलहटा, जो कि बिल्कुल नगर निगम सीमा से लगा हुआ गांव है, वहां का है। इसके अलावा बर्डिये गांव, बदका गांव, घूडांग, अमोदा कला, इन आसपास के गाँव की भी कई सारी रजिस्ट्रियाँ मिली हैं। इनके पास में 7 वाहन मिले हैं, जिनमें से 4 4-व्हीलर हैं, महिंद्रा XUV है, महिंद्रा का स्कॉर्पियो है, इंडिगो है, ट्रैक्टर है। इसके अलावा 3 मोटरसाइकिल मिली हैं, जो इनके पास भोपाल के भी प्लॉट के कागज़ मिले हैं। इनकी बहू अभी श्रीमती ज्योति मिश्रा, ये करीब 6 वर्ष से सतना में ही रामपुर वगेलान में पटवारी हैं, उनके पास से भी कई दस्तावेज मिले हैं और जूनियर साइंटिस्ट की थी। और ये नई जानकारियाँ मिली हैं, जो भी जानकारियाँ दस्तावेज जब्त होंगे और जो भी विवेचना में तथ्य आएंगे उनके अनुसार अगली कार्रवाई की जाएगी। इसमें मैंने बताया कि अभी इनका फार्म हाउस का जो कमरे हैं उसकी तलाशी नहीं हुई है और लगातार कागज मिलते जा रहे हैं। अभी तो केवल 12 जमीनों की रजिस्ट्रियाँ मिली हैं, जबकि जो है और जो अभी उनको अध्ययन किया जा रहा है उन कागजों का, तो शाम तक संभावना है कि कई और करोड़ों की ज़मीनें उनके पास से मिलेंगी कागज। मूलतया ये इनका मुख्य घर मारुति नगर सतना में है, जो कि वहाँ की बड़ी प्रमुख कॉलोनी है। वहाँ पे सर्च कार्रवाई चल रही है और इसमें हमारी टीम में 2 इंस्पेक्टर हैं, 4 सब इंस्पेक्टर हैं और करीब 25 सदस्यीय टीम इसमें सर्च कार्रवाई कर रही है। रीवा से अर्पित पांडे, सागर टीवी न्यूज़।